हेलो एवरीवन, आज हम मेरी गुड यानी इंग्लिश पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड 4, यूनिट 1। वीक पोयम है, उसमें आगे लर्न करेंगे। से अलाउड यानी कि आपको जोर से बोलना है। बीटी बोट अ बीट ऑफ बटर, बट द बीट ऑफ बटर थे बीटी बोट वॉज बिटर। क्या कहा है? बेटी ही उसने थोड़ा सा बटर है वो खरीदा था। बेटी ने जो बटर खरीदा था वो कैसा था? बिटर था, कड़वा था। सो बेटी बोट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। इसलिए बेटी ही उसने और थोड़ा सा अच्छा बटर है वो खरीदा। क्या करने के लिए? जो बिटर बटर है उससे बेहतर बनाने के लिए। अब आपको ये पूरा साथ में बोलना है। बेटी बोट अ बीट ऑफ बटर, बट द बीट ऑफ बटर दैट बेटी बोट वॉज बिटर। सो बेटी बोट सम बेटर बटर टू मेक द बेटर बटर बेटर। नेक्स्ट है लेट्स राइट। क्या करना है? यहाँ पे लिखना है। नंबर वन, कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। क्या कहा है? यहाँ पे पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस दिए है, यानी कि हर एक में ए बी ऐसे दो सेंटेंस दिए। हमें क्या करना है? वो सेंटेंस को या फिर एंड की मदद से ज्वाइंट करना है या फिर बट की मदद से। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। ए, इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। क्या कहा है? ये स्कूल का टाइम हो गया है, आपको जल्दी से जगना चाहिए। बी, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। क्या कहा है? और मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी देर के लिए सोना है। इसलिए यहाँ पे हम किससे ज्वाइन करेंगे? बट से ज्वाइन करेंगे। क्या कहा है? ये स्कूल का टाइम हो गया है लेकिन मुझे अभी थोड़ी देर सोना है। इसलिए सेंटेंस क्या होगा? इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। हाँ, ये स्कूल का टाइम हो गया है इसलिए जगना चाहिए लेकिन मुझे अभी थोड़ी देर सोना है। नेक्स्ट, ए, शेला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे। शेला है, उसे कुछ चॉकलेट से वो उसके बर्थडे के दिन मिली थी। नेक्स्ट है बी, सी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू। उसे और नए क्लोथ से वो भी मिले थे। यहाँ पे क्या करना है? किसकी बात की है? शेला की बात की है। इसलिए हम सेंटेंस ऐसे स्टार्ट करेंगे, शेला गॉट सम चॉकलेट्स। उसे क्लोथ भी मिले हैं, हमें दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना है। हम कैसे ज्वाइन करेंगे? एंड की मदद से। इसलिए क्या आएगा? शेला गॉट सम चॉकलेट्स, फिर ये कट कर देंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम। यहाँ से इसे भी कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एक बार ये वर्ड यूज हो गया है, वैसे सम भी यूज हो गया है। यहाँ पे एंड से हम ज्वाइन करेंगे, फिर क्या आएगा? न्यू क्लॉथ्स। वो किसके लिए मिले थे? उसके बर्थडे के लिए। ये वाला सेंटेंस है वो हम यहाँ पे लास्ट में ऐड करेंगे। इसलिए सेंटेंस कैसे बनेगा? शेला गॉट सम चॉकलेट्स एंड न्यू क्लॉथ्स फॉर हर बर्थडे। शेला है, उसे कुछ चॉकलेट्स और कुछ नए क्लोथ से वो अपने बर्थडे के लिए मिले थे। नेक्स्ट है ए, एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप। क्या कहा है? हर कोई है वो सोने के लिए चला गया था। बी, आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। मैं अपनी बुक है उसे रीड करना चाहती हूँ। इसलिए इसे हम किससे ज्वाइन करेंगे? बॉट से, क्योंकि हर कोई है वो सोने के लिए चला गया है, पर लेकिन मुझे क्या करना है? मेरी बुक है उसे रीड करनी है। इसलिए इसका सेंटेंस कैसे होगा? एवरी वन हैज गॉन टू स्लीप, बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। नेक्स्ट, ए, राजू प्लेज क्रिकेट। राजू है वो क्रिकेट खेलता है। बी, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, और वो हॉकी भी खेलता है। राजू भी वो दोनों गेम खेलता है, क्रिकेट और हॉकी। इसलिए हम इसे कैसे ज्वाइन करेंगे? एंड से ज्वाइन करेंगे।
कैसे करेंगे? राजू प्लेज क्रिकेट, ये फर्स्ट वाला वैसे का वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? एंड ही, यानी कि राजू, इसे हम कट कर देंगे। ऑल्सो, क्योंकि वो भी खेलता है, ये वाला गेम भी खेलता है, इसलिए ऑल्सो भी नहीं लिखेंगे। प्लेज, प्लेज एक बार हमने लिख दिया है, इसलिए इसे भी हम काट देंगे। और क्या आएगा? होके, इसलिए यहाँ पे हम होके ऐड करेंगे। सेंटेंस क्या होगा? राजू प्लेज क्रिकेट एंड होके। समझ में आ गया? यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों? एंड या फिर बट से सेंटेंस है वो ज्वाइन करना है। अगर एंड से ज्वाइन करना है सेंटेंस, तो उसमें जो भी वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं वो वर्ड्स हमें दोबारा लिखना नहीं है, उसे हम एक ही बार लिखेंगे और एंड से ज्वाइन करेंगे। और बट वाला सेंटेंस है उसे कम्प्लीटली बट वर्ड ऐड करने के बाद लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। थैंक यू।